नाम फाइनल कर दिए। मेरे से भी पूछा गया था, मैंने कहा भाई अब हरियाणा में समय देने का समय आ गया, सरकार बदलने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, तो मुझे अध्यक्ष बनाया तो पार्टी ने मुझे फुल टाइम डिवोट करना है। उनका स्वागत है हमारे साथ। इस समय आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी बने हुए आ रहे हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, हालांकि लगातार आप जमीनी स्तर पर उतर कर काम कर रहे हैं, लेकिन जो है कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आज चित्रा सवरा जी हैं, सीनियर नेता निर्मल सिंह जी ने कांग्रेस ज्वाइन की है दिल्ली में, किस तरह देखते हैं सर? देखिए आम आदमी पार्टी ग्राउंड लेवल की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की राजनीति करती है। जब व्यवस्था बदलनी है 76 साल की, इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, लाखों वीरों ने शहादत दी, कुछ गांधी जी की यात्रा में साथ चले, कुछ बीच में रुक गए। ये केजरीवाल जी की यात्रा है, इस यात्रा के अंदर वही जा सकता है जो हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता है, गुड गवर्नेंस चाहता है, अच्छे स्कूल चाहता है, अच्छे कॉलेज चाहता है, अच्छे हॉस्पिटल चाहता है, अच्छी डिस्पेंसरी चाहता है, बच्चों का रोजगार चाहता है, 24 घंटे बिजली पानी चाहता है। ये संघर्ष का रास्ता है, संघर्ष में जो लंबा चलेगा वो संघर्ष के बदलने का गवाह बनेगा, और जो लंबा नहीं चलेगा वो रास्ते में से उतर जाएगा। लगता नहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, जिस तरह से नेता छोड़कर जा रहे हैं, तो आम आदमी की अगली पार्टी की क्या रणनीति होगी? 1.5 लाख नेता बने और 2 छोड़े, तो छोड़ के क्या जा रहे हैं? 1.5 लाख में 2 की गिनती नहीं होती है। मैं बड़ी प्रैक्टिकल पोजिशन ये बता रहा हूँ कि ये रास्ता संघर्ष का रास्ता है, जिस संघर्ष के रास्ते में वही चलेगा जो संघर्ष करेगा। सर आपका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो किन किन नामों पर चर्चा बनी? हालांकि सीनियर संगठन का काम होता है तय करना। नाम फाइनल कर दिए, मेरे से भी पूछा गया था, मैंने कहा भाई अब हरियाणा में समय देने का समय आ गया है, सरकार बदलने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, तो मुझे अध्यक्ष बनाया तो पार्टी ने मुझे फुल टाइम डिवोट कर दिया, बाकी 3 नाम आज डिसाइड कर दिए। तो सर हरियाणा में अकेले लड़ा जाएगा चुनाव आम आदमी पार्टी की तरफ से? आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव अपने दम पे लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, 90 की 90 सीटों पे लड़ेगी, और पंजाब और दिल्ली से बेहतर बहुमत लेके आएगी। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी, तमाम विषय पर उन्होंने खास बातचीत की। करनाल से के लिए कमल गिरी।